हेलो गाइस, नाहिदल ऑल इन वन में आपका वेलकम है। आज मैं बहुत झटपट बनने वाला दही पुचका या दही पानी पूरी वो बनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी देखने में यम्मी और टेम्प्टी लग रही है तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए और मुझे फीडबैक दीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तेल को मैंने पहले से प्रीहीट करके रखा है। अब ये रेडीमेड पुचका पावड़ है, इसे मैं इसमें डालूँ। ज़्यादा नहीं डालना है, 4 से 5 पीस। देखिए कैसे रेडी हो गया। इसे हम लोग निकाल लेंगे। पानी पूरी चाट बनाने के लिए मैंने ये रेडीमेड पानी पूरी लिया है और इसे मैंने फ्राई किया है। इसका वीडियो मैंने दिया है, आप उसे देखिएगा कि ये मैंने कैसे फ्राई किया है। और साथ में मैंने खट्टी मीठी इमली गुड़ की चटनी बनाई है, ये मैंने घर पे बनाया है। दही जो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था दही, उसी में मैंने चीनी और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट देके इसे अच्छे से फेंट लिया है और एक स्मूथ सा बैटर बन गया है ये। साथ में मैंने ये चना लिया है। चने को मैंने 6 घंटे पानी में सोख करके रखा था। फिर से इसमें थोड़ा सा हाफ़ ओनियन, थोड़ा सा मिर्चा पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा तेल को देके कुकर में मैंने 5 सीटी तक इसे कुक किया है और ये ऐसे हो गया है। 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं मैंने, छोटे छोटे कट कर लिया है। ब्लैक सॉल्ट और जीरा पाउडर है, रेड चिली पाउडर और चाट मसाला। तो हम लोग इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पापड़ को मैंने 20 से ऐसे करके जैसे पानी पूरी में हम लोग होल करते हैं वैसे होल कर दिया मैंने। अब इसके अंदर मैं थोड़े से चने डालूँगी। थोड़े से आलू डालूंगी। ऐसे करके सब में मैं ऐसे फिलअप करके करूंगी। मैंने इस तरह सब में फिलअप कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग ब्लैक सॉल्ट डालेंगे, हल्का हल्का तक। उसके बाद इसमें हम लोग थोड़ी थोड़ी मीठी चटनी डालेंगे, खट्टी मीठी चटनी। और इसी तरह पूरा सब में थोड़ा थोड़ा अब दही डालते हैं सब में थोड़े थोड़े, ज़्यादा कम जितना भी आप चाहें इसमें डाल सकते हैं। डाल लें, देखो वो गुस्सा हो गया। वो ये वाला इसका था ना, वो नहीं है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल रहे हैं, थोड़ा सा क्रश रेड पेपर, लाल मिर्च का पाउडर भुना कुटा हुआ। अब इसमें ज़्यादा कम दे सकते हैं और इस तरह आपके ये दही पुचका रेडी है। इसमें आप चाहे तो और ऊपर से भी थोड़ा दही दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मैं इसे ऐसे ही खाती हूँ। आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई करिए और मुझे फीडबैक दीजिए आपको ये रेसिपी कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।